अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक अहम वजह से इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कभी भी अपने घर के बारे में, घर के मामलात को इस तरह से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मजबूरन मुझे ये आप सब लोगों को बताना पड़ा है। जो लोग नेहा की पोस्ट पर मुझे गालियाँ निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि एक इस तरह की औरत, नेहा जैसी औरत, नेगेटिव औरत जब किसी के भी ख़ानदान में आ जाती है ना, तो ख़ानदान टूटते हैं। मैं पिछले 4 साल से बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अपने बेटे की वजह से यही सोचती रही कि मेरा बेटा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा ऐसी औरत के साथ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, सिर्फ डिटेल आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत पेजेस ने हमेशा उसकी पोस्ट को उठाया और शेयर किया, और मैं खामोश रही, मेरी बेटी खामोश रही, क्योंकि हमारी कही हुई बात बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं नेहा से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और सलमान ने उसके साथ रहना है तो सलमान के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना मेरा, ना मेरे मियाँ का, ना मेरी बेटी का, ना अरसलान का। हमारा कोई वास्ता नहीं है सलमान के साथ। अगर वो समझता है कि उसकी बीवी उसके लिए अगली ज़िंदगी में सुकून और इज़्ज़त का बाइस रहेगी, तो मैं दुआ करती हूँ कि वो रहे, लेकिन सलमान के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप सब लोगों को भी पता चल सके, और मैं गहराई में जाऊंगी तो आप लोग इतना थू थू करेंगे जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग जजमेंटल ना हो, आप किसी को जज नहीं कर सकते, इस तरह के कमेंट्स पे जज नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कह रही कि आप वन साइडेड फैसला करें, ना ही मैं किसी कटहरे में किसी को खड़ा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सलमान अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है तो सलमान रहे, लेकिन मेरा सलमान से और उसकी बीवी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। एक माँ जब ये लफ्ज़ बोलती है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।